हेलो एवरीवन, नमस्कार। नेट और जेडब्ल्यू की जैकपॉट सीरीज का आप लोगों के लिए जैकपॉट नंबर 5, जिसमें हम पढ़ेंगे भाई न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, क्या कहता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग? मान लीजिए आप लोगों के पास ग्रीन टी है और इस ग्रीन टी का एट प्रेजेंट टाइम मैं कह दूं टेम्परेचर है 80 डिग्री सेल्सियस। कितना है भाई? 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और मैंने बोला ये ग्रीन टी 80 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस हो जाएगी 10 मिनट में। कितने मिनट में बताओ? 10 मिनट में। ठीक है, सराउंडिंग का टेम्परेचर है भाई 30 डिग्री सेल्सियस। तब अब सराउंडिंग में जब टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तभी तो किसी भी हीटेड बॉडी से हीट लॉस होती है। कोई भी बॉडी अगर हॉट है कैसे पता करोगे विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग कैसा है? समझ पा रहे हो? एक दूसरे की कंपैरेटिव रिलेटिव रखते हुए हम ये बताते हैं कि बॉडी हॉट है या कोल्ड है। ठीक है, अब इस ग्रीन टी का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस होता है 10 मिनट में। अगर बाहर सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना हो गई? 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ओके। अब मैं बोल दूं आपको फर्दर 60 डिग्री सेल्सियस से 48 डिग्री सेल्सियस तापमान होने में समय कितना लगेगा, ये आपको बताना हो तो आप लोग बताएंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहता है कि रेट ऑफ लॉस ऑफ ए बॉडी, हीट लॉस, एक बॉडी के अंदर से जो हीट के लॉस होने की जो रेट है ना, ये इन दोनों के इस बॉडी के जो टेम्परेचर है इस बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, अब आप एक बॉडी का टेम्परेचर एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर में बॉडी को लेके जाते हो तो कितना समय लगता है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग को लिखते हो। ध्यान रखना सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, 60 डिग्री सेल्सियस से फर्दर और अगला टेम्परेचर होने में कितना समय लगता है, यह आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए न्यूटन का एक कॉमन सा फॉर्मूला है भी, क्या ये कहता है कि T1 से एक बॉडी जा रही है T2, तो T1 में से T2 हटा दो, डिवाइड कर दो कितना टाइम लेगी, T1 माइनस T2 भाग में टाइम कितना ले रही है, बराबर होगा किसके, के एक कांस्टेंट है, ब्रैकेट थ्रू ब्रैकेट बंद, दोनों का सम T1 प्लस T2 दोनों का मीन निकाल दो, बाई में 2 माइनस में T0, जहां पे T0 है भाई सराउंडिंग का टेम्परेचर। इस फॉर्मूले में रखो, यहां से आपको मिल जाएगी K की वैल्यू। ठीक है, इस वाले टेम्परेचर में जब आप टाइम निकालोगे K की वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा। देखो जैसे मैं आपको बता देता हूं करके भी सॉल्यूशन एक का, T1 कितना है 80, T2 कितना है 60, 80 में से 60 के कितना बचा 20। ठीक है, टाइम कितना ले रही है भाई 10 मिनट, यहां पर रख दिया मैंने 10, अब मिनट में चल रहा है कहानी, तो मिनट में चलती रहेगी, सेकंडों में सेकंड देख लेंगे, जैसा मिनट में ले रहे भी अभी टाइम, के इंटू में दोनों का मीन T1 प्लस T2 का मीन देख लो भाई, 80 और 60 का मीन, 80 प्लस 60 140 भाग में 2 कितना गया 70, या सीधा निकाल दो भाई टाइम बचा नहीं, देखो 80 और 60 के बीच क्या होगा 70 मिड पॉइंट, 70 आ गया भाई, 70 में सराउंड गया कितना है 30, 30 घटा दो कितना आ गया 40, ठीक रख दो यहाँ पे 40 इंटू में कितना हो गया 40, अभी बताओ मुझे 20 दुनी 40 कट गया, दो इस तरफ आ गया कितना हो गया 1/20 = K। कैलकुलेशन में आपको फास्ट होना पड़ेगा, ओके, तभी आप नीट और जेई में भी आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन फास्ट तो बनना ही पड़ेगा। अब क्या कह रहे हैं, के की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये ध्यान रखना बस, के की निकालनी होती है आपको, ये मेन बात है। अब क्या 60 से 48 होने में कितना हो गया, 60 में से 40 याद करो कितना 12, ठीक है टाइम कितना लगा टी, निकाल देंगे आप जो निकालना है, टाइम ही तो निकालना है यहाँ पे, बोलो है कि नहीं, ठीक है बराबर के की वैल्यू कितनी आ रखी है 1/20 रख दो, दोनों का बीच, अब थोड़ा कंफ्यूजन होता है ना, या 60 और 48 के बीच का मीन करने में थोड़ा सा लेंगे भाई, अगर दोनों के बीच के पॉइंट निकाल पाओ तो ठीक अच्छी बात है, वरना दोनों का सम करो 60 और 40 कितना हो 108 भाग में 2 करो 54 आ गया, 48 और 6 54 और 6 60 कितना आ गया 54 में से क्या कर दो 30 कितना बच गया 24, बोलो है कि नहीं बताओ, ठीक है। अब क्या कर देखो 12 दूनी 24 आसान हो गया ना, 2 पे कट गया कितना बच गया 10, मिनट में चल रहा है टाइम, टाइम के वैल्यू कितनी आ गई 10 मिनट, लो भाई आ गया आंसर, यही आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। अब ऐसे में आपको दे दू कि भाई यही ग्रीन टी है, मान लो पहले 80 डिग्री सेल्सियस से मैं कह दू भाई 50 डिग्री सेल्सियस होने में ले रही है 15 मिनट, मेरी मर्जी से कितना भी टाइम दे दू मैं, बोलो है कि नहीं, यही भाई 50 से 30 डिग्री सेल्सियस होने में कितना समय लेगी,
यदि सराउंडिंग का टेम्परेचर मैंने बोल दिया टी नोट कितना है 20 डिग्री सेल्सियस। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए भाई, आप लोग भी प्रैक्टिस भी हो जाए। ट्राई करना 80 से 50 ठीक है, कितना समय ले रही है 15 मिनट, दोनों बीच का 50 15 65 65 15 80 65 15 सीधा बता देता हूं, 65 कितना हो गया भाई 15 बराबर के क्यों निकाल लेंगे आप। अरे 80 में से 50 घटाने हैं भाई, कहां मीन हो गया तो 65। कई बार ये भी ध्यान रखना, ऐसा भी हो सकता है 65 तो ये आएगा, सामने कितना है 20 ठीक है। ये वाली कहानी कितनी है पैस क्या 80 में से 50 के 30 आ गया, या फिर ये रखना है के इंटू 65 माइनस क्या भाई सामने कितना है 20 निकाल दो यहां से के की वैल्यू, 15 दूनी कितना हो गया 30, कितने बच गए 45, नीचे आ गया क्या 45, 2/2 कितनी आ गई वैल्यू के की भाई 45। अब के की वैल्यू यहां रख दो 50 से 30 होने में, 50 से 30 कितना आ गया 20, टाइम निकालना है हमें, के की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2/45 है। अब 50 और 30 के बीच करके आ गया 40, 40 में 20 गए कितना बच गया 20, लो भाई 20 से 20 क्या हो गया कैंसिल, टाइम कितना आ गया, कितना टाइम लगेगा भाई 45/2 22.5 मिनट सिंपल। यानी 80 से 50 होने में अगर 15 मिनट लगते हैं ना, तो 50 से 30 होने में कितना मिनट लगेंगे भाई 22.5, ये ध्यान रखना, आगे आंसर इस तरीके से निकाल सकते। एक और क्वेश्चन ले देता हूं आप लोगों को, कुछ भी नहीं करना, बस इस 20 की बजाय आप लोग यहाँ पे क्या ले लो 25 डिग्री सेल्सियस। अब आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए भाई, ऐसे क्वेश्चन आप लोग से पूछे जाएंगे। सिंपल अगेन बता देता हूं आपको, न्यूटन्स लॉ को देखो, ये क्या हो गया T1 - T2, क्या मैं इसका लिख देता हूं चेंज इन टेम्परेचर लिख दूं, बाई में टी टाइम बराबर होगा किसके भाई, अब चेंज इन टेम्परेचर भाई हम क्या निकालते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, इसमें T1 पहले वाला है T2 बाद वाला है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो हम इसके लिए क्या करते हैं माइनस, जब डिटेल लिखते हैं हम T2 - T1 करेंगे, तो माइनस यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समझ रहे हो बराबर किसके के इनटू में। अब T1 + T2/2 को क्या मैं मीन को टी मान लू, तो आपकी क्वेश्चन बन जाती है क्या भाई माइनस का डीटी भाग में टाइम बराबर है के इनटू में T - T0 ठीक है। माइनस क्या बता रहा है भाई कूलिंग को, टेम्परेचर क्या होगा डिक्रीज होगा, फाइनल टेम्परेचर क्या होगा डिक्रीज, ये माइनस यही सही बताता है ठीक है। अब यहां पे आप क्या कर सकते हो देखना, इसके टी को मैं इस तरह पूछा दूं T - T0 को, यहां इसको टी याद रख दिया मैंने T - T0 याद रख दिया, अगर आप लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना भाई तो लॉग में वैल्यू निकाल पाएंगे आप, अगर आपको क्वेश्चन कंप्लीट करके अगर ये लॉग दे दे T0 तो आपका सामने टेम्परेचर रहता है, ये एक बार T1 कर देंगे एक बार T2 कर देंगे, तो आप आसानी से यहाँ इंटीग्रेट करके वैल्यू निकाल सकते हो। तो बड़ा कॉमन बात आ गई यहाँ पे क्या कि माइनस का DT/T - T0 बराबर हो जाएगा K × T के, जैसे आपकी केमिस्ट्री में है ना आपकी जो आपकी फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हो आप, क्या फॉर्मूला होता है वहां पे K = 2.303/T × log base ln और गाइस इस फॉर्मूले को याद कर लेना, T1 पहला टेम्परेचर, T2 दूसरा टेम्परेचर, ये ज्यादा होगा ये कम होगा भाग में टाइम, के टी आपका मीन टेम्परेचर, T0 सराउंडिंग का टेम्परेचर, पहले के केवल निकालेंगे आप फिर आंसर आ जाएगा ठीक है। दो बार आपको इक्वेशन अप्लाई करनी है बस, कुछ भी पूछ ले आप लोगों से, टी नोट भी पूछ सकते हैं, वो आपको एक ही आपका नोट मिलेगा बाकी सारी आपको वैल्यू दे देंगे ठीक है, दो इक्वेशन बनेगी फाइनली, सीधी सी बात यही है भाई आंसर आ जाएगा सही से। तो होप सो गाइस आप लोगों को हमारा जैकपॉट नंबर 5 भी समझ में आ गया है, इससे पहले 4 जैकपॉट हमने अटेम्प्ट कर लिए हैं भाई, जिसको ये लगता है फिजिक्स कि भाई फिजिक्स पे ध्यान देने की बजाय वो लोग केमिस्ट्री बायो को ज्यादा अच्छे से पढ़ ले, नीट वालों की बात कर रहा हूं मैं, तो भाई जैकपॉट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट जरूर कर लेना, क्यों भाई ऐसा टाइम तो सर पूछेंगे ठीक है, ज्यादा मत सोचना फिजिक्स यहां से कर लो और जो आपका केमिस्ट्री और बायो पूछेंगे ठीक है। तो गाइस होप सो आप लोगों की वाला जैकपॉट भी समझ में आ गया है और 4 जैकपॉट आप लोगों को देख लेंगे, अब भी अगर आपको किसी पर कोई डाउट क्यूरी रह जाती है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए, किसी प्रकार की प्रॉब्लम कोई आप पा रही है तो हमें बताइए, ऑल द बेस्ट।